जहां पर यातायात क्षतिग्रस्त है और जिस पर की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी होती है, यातायात की मुख्य भूमिका सड़क की होती है। अगर सड़क ही खराब हो जिससे कि वर्षों भर जल का भराव रहे व गड्ढे ऐसे हो कि व्यक्ति सफर में ही गिर पड़े, तो क्या वहां की जनजीवन एवं नित्य क्रियाएं सुव्यवस्थित होंगे। ऐसी ही खबर मिर्जापुर से है, जहाँ नटवा बैरहवा चौराहा जंगी रोड से 500 मीटर दूरी गोपालपुर राजापुर रानीबारी जाने के तीनों मुख्य मार्ग में विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त रोड के कारण वहां रहने वाले आने जाने वाले सभी जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु, इन तीनों मौसमों में हमेशा रोड पर पानी भरा रहता है और नाले निर्माण न होने व रोड की मरम्मत न होने से काफी परेशानियों से होकर सभी आने जाने वाले राहगीरों हजारों की संख्या में राहगीरों कंपनियों के कर्मचारी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आरआर पब्लिक स्कूल के रास्ते हर पर जगह जगह नाली का चैम्बर बीच रोड पर खुली होने की वजह से भी राहगीरों को काफी परेशानियां हो रही हैं। यहां आसपास के रहने वाले लोगों से जब पूछा गया तो यही जवाब मिला कि ये रास्ता विगत कई वर्षों से खराब है और इसके बारे में नगर पालिका को कई बार ज्ञापन दिया गया है पर कुछ नहीं हुआ। मिर्जापुर से अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट। नाम संतोष कुमार विश्वकर्मा है और ये हम जयपुर रक्ष में कंपनी में काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, करीबन 4-5 साल हो गया और तब तक ये रोड बनी नहीं और इस रोड को बनाया जाए। आने जाने में आपको दिक्कत होती है इधर? बहुत ज़्यादा। कब से ये रास्ता ख़राब है? अरे करीबन 4-5 साल उसके पहले से ही है। केवल बरसात के मौसम में ही कि हर समय? नहीं, बरसात के बिना भी करे यहाँ पे पानी हमेशा जमा रहता है जी।